हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YWB व्लॉग्स। तो आज देखिए हमारे सामने खड़ी TVS की अपाचे, जिसमें लग रखा है एक्रापोविक का फुल सिस्टम वाला एग्जॉस्ट। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे जो अपाचे वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं कि अगर आपको अपनी बाइक में लगवाना है एग्जॉस्ट फुल सिस्टम वाला तो वो कितने का लगता है और ये कैसी आवाज़ देता है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, DB कलर वाला एग्जॉस्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसका जो DB कलर है वो रिमूव कर रखा है। अभी आपको वो DB कलर लगा के उसके बाद भी सुनवाएंगे और विदाउट DB कलर भी सुनवाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको सीधा एक बार लेके चलता हूँ एक छोटा सा राउंड मरवाने, जिसमें विदाउट DB कलर आपको आवाज़ सुनवाने वाली कि जब आप चलाते तो आवाज़ कैसे आती है। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी देखो मैं बाइक करने लग रहा हूँ ऑन, और आवाज़ सुनना एक बार। ये थी इसकी विदाउट DB कलर आवाज़। अब थोड़ा सा चला के देखते हैं विदाउट DB कलर, उसके बाद आपको DB कलर लगा के आवाज़ सुनवा दूंगा, फिर मैं आप बताऊंगा कि कितने का लगा, पूरा इसका रेट वगैरह सारा कुछ बताता हूँ। तो चलो एक छोटा सा एक राउंड मार के आते हैं और आपको दिखाते हैं ज़रा। आपको आवाज़ आ रही होगी भाई, ये पटाखे भी मारते हो पहले गियर में ही। थोड़ा भगा के दिखाता हूँ, ये थोड़ा एरिया ऐसा है यहाँ पे थोड़े कुत्ते पीछे पड़ेंगे, तो थोड़ा बाहर की साइड चलते हैं। मैं होप करता हूँ आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये बहुत बढ़िया पटाखे मारती है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं और हमने एकरा का एग्जॉस्ट लगवाया इसलिए क्योंकि ये इसमें एकरा के एग्जॉस्ट में ना ये पटाखे बढ़िया मारती है। अब सुनना गाजे पर आवाज़ सुनना, थोड़ी और गाजे आवाज़ सुनना, थोड़ा लंबा चलता हूँ। पटाखे की आवाज़ सुनना, कमेंट में बताना भाई ये पटाखे कैसे मार रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो चलते वापसी DB कलर लगाते फिर आपको सुनवाते हैं। एक छोटी सी बिजली हो जाए, लगेगी नहीं वैसे तो। पटाखे की आवाज़ सुनो भाई, कमेंट सेक्शन में बताना और बोलना कि विदाउट DB कलर आवाज़ कैसी है और पटाखे जो मार रहे हो कैसे मार रहे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये थोड़े सोसाइटी वाले एरिया आ गए तो हमने साइलेंट कर लिया बाइक। तो भाई अभी तक तो ये हमारी जो आवाज़ थी ये थी विदाउट DB कलर। अब हम लगाने वाले, देखो ये DB कलर हमारा, DB कलर लगाने के बाद अब आपको आवाज़ सुनवाएंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। हालांकि वैसे तो हमको विदाउट DB कलर ही पसंद है क्योंकि उसमें पटाखे भी ज़्यादा और लाउडनेस और बेसनेस भी अच्छी खासी है। अब DB कलर हम लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी आती है। तो भाई हम लोगों का जो DB कलर है वो लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ जो चीज़ है ना, ये हमारी DB कलर बोलते हैं इसको। ये एक वो LN की इसे स्क्रू होता है, उसको टाइट और लूज़ करो तो ये निकल जाता है। इसको निकलने के बाद आपकी बेसनेस, लाउडनेस और जो पटाखे वो बढ़ जाते हैं। इसको लगाने के बाद वो सारे ना कंट्रोल में हो जाता है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने DB कलर लगाया इसको लगाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है बाइक में। एक बार आपको पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सुनवाते हैं, फिर हल्की सी और चला के वीडियो कर देंगे एंड। तो भाई DB कलर लग चुका है, थोड़ी सी आवाज़ एक बार ऐसे सुना आप। अब छोटा सा एक राउंड मारते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं। हालांकि DB कलर के साथ भी थोड़े पटाखे देती है, पर DB कलर की वजह से ना ऐसा लगता है जैसे इसका स्टॉक साइलेंसर ही हो अगर आप ज़्यादा तेज़ रेव ना दो तो। देखिए देखिए, पहले से बहुत कम दे रही है पटाखे, और जो पटाखे हैं वो थोड़े ना उसकी आवाज़ धीरे हो चुकी है और बाइक की जो आवाज़ है वो भी धीरे हो चुकी है। देखिए थोड़ा सा मैं भगाऊंगा, देखो हाई RPM पे तो आवाज़ करेगी बाइक, वो तो ऑफ कोर्स की बात है, लेकिन DB कलर से काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। ये देखो तो ये लगता है कि हाँ थोड़ा स्टॉक ही है, पर हाँ थोड़ा बहुत तो अब देखो यार लगेगा कि एग्जॉस्ट है। अब एग्जॉस्ट लगवाओगे तो कुछ तो लगेगा ही ना। हाँ पर विदाउट DB कलर और DB कलर के साथ बड़ा फ़र्क आ जाता है इसमें।
तो ये था डीबी क्लियर के साथ की आवाज़। अब मैं आपको, चलो चलता हूँ, पहले बाइक खड़ी करता हूँ, फिर आपको इसका प्राइस बताता हूँ कि प्राइस हमारा कितने कितने का क्या क्या लगा। अब देखिए जैसे सेकंड गियर डाला हुआ है, मैंने रेस छोड़ता हूँ। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो बहुत कम कम पटाखे छोड़ रही है, पर हाँ पटाखे ज़रूर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। चलो अब वीडियो एंड करने से पहले एक बार मेरे साथ एग्जॉस्ट का प्राइस सुन लो। तो ये हमारा एग्जॉस्ट आता है एक्रापोविक का, जिसमें विद डीबी क्लियर मिलता है आपको, और आप देख सकते हैं पूरे कार्बन फाइबर की फिनिश में है। तो ये वाला जो एग्जॉस्ट आता है हमारा, ये हमको पड़ा था 2000 रुपये का, 2000 का एग्जॉस्ट, एंड आगे बैंड पाइप हमने वेल्ड करवा दिए थे। तो देखा जाए तो 2000 हमारे वर्थ थे बाइक पे लगाने, विद डीबी की तरह एग्जॉस्ट मिल गया हमको। तो कमेंट में बताना आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी। और यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।